आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर इस्लामाबाद तिलमिला गया है और पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जारी करते हुए कहा कि हमने हमेशा क्षेत्र में शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन शांति की हमारी इच्छा का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। इतिहास पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प और अपनी रक्षा करने की क्षमता का गवाह है। विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार पर चुनाव में फायदे के लिए घृणास्पद भाषण देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत पड़ोसी देश में घुसकर उन्हें मारेगा। जिसके बाद रक्षा मंत्री की इस चेतावनी से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान डर से कांप उठा है और इसलिए पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय एक बार फिर से भारत के खिलाफ विवादित बयान दे रहा है। दरअसल ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी सरकार के स्पष्ट एजेंडे को दिखाते हुए कही है। रक्षा मंत्री ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अभियान के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्याएं की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिसके बाद पाकिस्तान का ये जहरीला बयान सामने आया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।